नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत खुशी का दिन है, मैं ये बोलूँगा कि डबल खुशी का दिन है। आज हमारे परिवार के अंदर 2 लाख सदस्य हो गए हैं, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। और मैं सभी 2 लाख सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आप सभी की वजह से, आप सभी के आशीर्वाद की वजह से, आप सभी की दुआओं की वजह से, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो हमारा चैनल है वो इंडिया का नंबर 1 चैनल बन गया है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों आज हमारे परिवार में 2 लाख सदस्य हो गए हैं, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। उस सबके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे चैनल के ऊपर 1 करोड़ व्यूज हो गए हैं, 10 मिलियन व्यूज, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। और ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है, आपके प्यार की वजह से संभव हुआ है, आपके आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस डबल खुशी के दिन मैं आज आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा, जिनके बारे में मैंने आज तक कभी चर्चा नहीं करी, जिसके अंदर मेरी YouTube की इनकम के बारे में चर्चा होगी, मैं कितना कमाता हूँ स्टॉक मार्केट से, या काफी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि मेरा क्या स्वार्थ है इस चैनल को चलाने के पीछे। तो दोस्तों इन सभी सवालों की चर्चा भी हम आज के इस वीडियो में जरूर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टॉक मार्केट चैनल में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक व्यूअर ने मेरे साथ शेयर किया था और उन्होंने मुझे अनुरोध किया था कि आप इस फैक्ट को अपने वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो दोस्तों उन्होंने लिख के भेजा कि आपके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, हमारा जो परिवार है वो 2 लाख सदस्यों का परिवार हो गया है। तो उन्होंने एक तुलना करी ईडन गार्डन्स के साथ कि वहाँ पर अगर कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो उस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 68,000 दर्शकों की है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके सारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स एक साथ जाएं तो ईडन गार्डन्स जो है वो 3 बार फुल हो जाएगा, मतलब 3 बार हाउसफुल हो जाएगा, इतने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे परिवार में। तो दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजनीश जी उनका नाम है और क्रिकेट के वो बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने ये जो फैक्ट मेरे साथ शेयर किया, तो आपके अनुरोध के ऊपर मैंने इसको अपने वीडियो में इंक्लूड किया और इस फैक्ट को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों क्योंकि हम तथ्यों की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ और तथ्य आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पिछले साल अप्रैल 2017 में हमारे चैनल के ऊपर 1000 से कम सब्सक्राइबर थे। दोस्तों 11 महीने के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर होना एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मैं फिर से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। नवम्बर 2017 में जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, तब मैंने जब वीडियो शेयर किया था कि हमारे 1 लाख मेंबर्स हो चुके हैं, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे 2 लाख वाला वीडियो केवल 100 दिन के अंदर दोबारा शेयर करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था कि 6-7 महीने लग जाएंगे, लेकिन केवल 100 दिन के अंदर हमने 1 लाख मेंबर्स को और जोड़ा है इस चैनल के साथ। तो ये सब आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है कि हम इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 से लेके 2 लाख तक जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं YouTube का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम आपस में जुड़ सकें। मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया कि मैं अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों पर्सनल फ्रंट पर मैं अपने फादर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस शो किया, उनको यकीन था कि मैं ज़रूर इसमें कामयाब होऊंगा। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे अपने चैनल के द्वारा जो भी मेरे को नॉलेज है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट से संबंधित, उसको सबके साथ शेयर करना चाहिए। और उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि इसको हमेशा फ्री रखना है। दोस्तों मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ और मुझे मालूम है कि हमारे देश में 90% जनता जो है इस एजुकेशन का लाभ नहीं उठा सकती पेड बेसिस के ऊपर, उनके पास कोई और साधन नहीं है इसको सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश किया जाए। और काफ़ी लोग जो हैं उनके इस भोलेपन का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल के द्वारा मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि मैं आपको किस तरीके से फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा सकूं, समझा सकूं और जो भी मुझे आता है मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों इसके अलावा मैं शुक्रिया करना चाहूंगा रिलायंस जियो का, जिन्होंने इतना चीप रेट के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड किया कि आज की डेट में इंटरनेट गांव-गांव में अवेलेबल है और उसी की वजह से हम सब जुड़ पाए हैं। उसी की वजह से जो काफ़ी दर्शक हैं, काफ़ी दर्शकों ने मुझे लिखा कि हम जियो की वजह से ही आपका चैनल देख पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं रिलायंस जियो का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा।
चाहूंगा कि उन्होंने इस देश के अंदर एक इंटरनेट रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के सवालों के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल दोस्तों मुझसे काफी बार पूछा गया है और उसका जवाब मैं आपको आज बिल्कुल सीधा सीधा देना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो ये कि पेड कोर्सेज के अंदर हमें ऐसा क्या सिखाया जाता है जो कि हम फ्री चैनल के ऊपर या आपके चैनल के ऊपर नहीं सीख सकते। तो दोस्तों जिन लोगों ने इस तरह के पेड कोर्सेज किए हैं उन्होंने मुझे काफी बार लिख के बताया है कि जो भी आपके चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो उन पेड कोर्सेज के अंदर बताए जाने वाली इंफॉर्मेशन से 100 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जिससे हम ये समझ पाएंगे कि पेड कोर्सेज में ऐसा क्या सिखाया जाता है जो कि आप इस चैनल के ऊपर नहीं सीख सकते। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब छोटे होते थे तो हमारे घर में जब खाना बन रहा होता था कढ़ाई के अंदर तो हमें लगता था कि भाई बहुत स्वादिष्ट कोई पकवान बन रहा है, बहुत स्वादिष्ट कोई डिश बन रही है, तो हम हमेशा उसको टच करना चाहते थे, उस कढ़ाई को टच करना चाहते थे देखने के लिए कि भाई क्या बन रहा है, क्योंकि हमारे मन में जिज्ञासा होती थी, उत्सुकता होती थी कि भाई ये जो इतनी स्वादिष्ट डिश बन रही है हम देखें कि ये बनती कैसे है। तो मेरी जो माताजी हैं वो हमेशा हमें बोलती थी कि भाई आप इससे दूर रहें, ये गर्म है, उससे आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम मानते नहीं थे, मैं और मेरा भाई मानते नहीं थे, तो हमने एक दिन क्या किया कि उसको हाथ लगा दिया उस कढ़ाई को और हमारा हाथ जल गया। उस दिन के बाद हमें समझ में आया कि वो गर्म थी, हमें उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, उसको हाथ लगाने से हमारा हाथ जल गया। तो दोस्तों पेड कोर्सेज भी ऐसे ही हैं, आपको लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या सिखाया जा रहा है, वहाँ कौन सी स्वादिष्ट डिश बन रही है, हम भी जाके देखें, हम भी उसको हाथ लगाएं, लेकिन जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो गर्म है और आपका हाथ जल जाएगा और उसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा या किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपका पैसा है, आपका निर्णय है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको सावधान करना है, आगे आपका अपना निर्णय है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक दूसरा सवाल या दूसरी क्वेरी मुझसे पूछी जाती है या जहाँ पे दर्शक मुझे लिख के बताते हैं कि भी कुछ लोग हैं वो आपके बारे में हेट वीडियोस बना रहे हैं, वो आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में अपशब्द कह रहे हैं या दर्शक अपशब्द भी लिखते हैं कमेंट्स के द्वारा। दोस्तों मेरा हमेशा यही मानना है कि जो भी हेट कर रहा है हमें या जो भी हमें पसंद नहीं करता दोस्तों वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। अगर हम अपने परिवार में देखें, अपने ऑफिस में देखें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स हमें पसंद करें या सारे कोलीग्स हमें पसंद करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमें हेट करते हैं या हमें पसंद नहीं करते, लेकिन दोस्तों वो भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। आप ये मानिए या ये सोच के चलिए कि हमें हेट करने के लिए भी वो रोज़ हमारे वीडियो को देखने आते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, उसके बाद डिसलाइक करते हैं या कोई हेट कमेंट छोड़ते हैं, तो दोस्तों वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो दोस्तों जब भी मैं वीडियो के नीचे देखता हूँ तो किसी भी वीडियो के नीचे मुझे 1-2 हज़ार लाइक्स दिखते हैं और 5-10 या 20 के आसपास डिसलाइक दिखते हैं। तो जो लोग डिसलाइक करते हैं दोस्तों वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं उनसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप हेट या नफरत को मत फैलाइए, प्यार को फैलाइए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई या अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, मैं हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। आप बताइए कि हम कैसे इस चैनल को सुधार सकते हैं, कैसे इस चैनल को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों एक तीसरी क्वेरी जो मुझसे बहुत बार पूछी गई है, शुरुआत से पूछी गई है कि भाई आप इस चैनल के ऊपर पेड प्रोग्राम कब लॉन्च करेंगे। दोस्तों जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे तब काफ़ी दर्शकों ने लिखा कि जब इस चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तब आप पक्का पेड सर्विस लॉन्च करेंगे। जब 10,000 हुए तो काफ़ी दर्शकों ने कहा जब 50,000 होंगे तो पक्का आप लॉन्च करेंगे। जब 50,000 हुए तब दर्शकों ने लिखा कि भाई जब 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे तब आप पक्का पेड सर्विस लॉन्च करेंगे। जब 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए तब दर्शकों ने लिखा कि जब 2,00,000 सब्सक्राइबर होंगे ना तब हमें पक्का पता है आप पेड सर्विस लॉन्च करेंगे। दोस्तों इसका जवाब मेरा सेम वही है जो हर बार मैं आपको पिछले 1 साल से बताता रहा हूँ कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री रहेगा। मैं कभी भी कोई किसी तरह का ऐसा प्रोग्राम नहीं लॉन्च करूँगा जिसके अंदर आपको कुछ भी पे करना पड़े। जो भी मेरी जानकारी है, जो भी मेरी नॉलेज है, उसको मैं आपके साथ फ्री में बांटूंगा, उसको मैं आपके साथ फ्री में शेयर करूँगा। यहाँ पर जिन दर्शकों को डाउट होता है उनका डाउट करना दोस्तों लाजमी है, जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी
चैनल स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि किसी के भी 10 या 15 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं, वो अपना पेड प्रोग्राम लॉन्च कर देता है। और दोस्तों आज अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं दिखेगा जिसका कोई पेड प्रोग्राम ना चल रहा हो या वो किसी ना किसी कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट के साथ लिंक ना हो। तो दोस्तों मेरा जो स्टैंड था, मेरी कथनी और करनी में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कोई शुरुआत में आपको झूठ बोल के या आपको झांसा दे के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया। मैंने जो उस समय कहा था जब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, वही मैं आज भी कह रहा हूँ। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। मैं आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैं छोटे निवेशकों को सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल लॉन्च किया है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। तो दोस्तों अगर यदि मैंने आपको ये कहा तो मैंने सच्ची में ये कहा था और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। मैंने अपनी बात को चेंज नहीं किया, मैंने अपने स्टैंड को चेंज नहीं किया, क्योंकि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी, वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी, वही आपको ऊपर लेके जा सकती है। अगर आप किसी को झूठ बोलेंगे तो लोग कुछ समय बाद पता लगा लेंगे कि ये व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है और उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते। तो दोस्तों मेरी कथनी करनी सेम है, मैं उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रखता। जो भी मैंने आपको आज तक इस चैनल के द्वारा बताया है मैं उस पर कायम हूँ, हमेशा कायम रहूँगा, चाहे इस चैनल के ऊपर 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ, चाहे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएँ। दोस्तों यहाँ पे चौथी क्वेरी जो मुझसे पूछी जाती है कि भी आपके काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो चोरी हो रहे हैं, या जो भी टॉपिक आप जिसके ऊपर वीडियो शेयर करते हैं उसके ऊपर दूसरे लोग भी सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ऐसे वीडियोस जाके देखे हैं, जो भी लिंक्स आपने मुझे प्रोवाइड किए मैंने वहाँ पर भी जाके देखा। तो दोस्तों वहाँ पर कॉपी हो रहे हैं मेरे वीडियोज़, उन लोगों को मैंने मेल भी लिखा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को हटा लीजिए क्योंकि ये आपने मेरे वीडियो से कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो एक एनालिसिस था कि स्टॉक मार्केट कितना नीचे जाएगी, आप मानेंगे नहीं, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने भी मेरा एनालिसिस चुरा लिया और मैंने उनको भी मेल लिखी हुई है कि आपने जो ये एनालिसिस है मेरे वीडियो से चुराया हुआ है। तो देखते हैं अगर वो हटाते हैं नहीं हटाते, अगर नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे मैं एक लीगल एक्शन लूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो मेरा जो SMS फ्रॉड वाला वीडियो था वो काफ़ी लोगों ने डाला अपने चैनल के ऊपर, या स्टॉक के प्राइस को कैसे एवरेज किया जाता है वो वाला वीडियो भी दोस्तों काफ़ी लोगों ने उसको अच्छे से रीपैकेज करके एक नए लुक के अंदर एक नए तरीके से आपके सामने पेश किया। पर दोस्तों मेरा यहाँ पे यही मानना है कि जनता जनार्दन जो है वो सब जानती है, आपको सब पता है कि ये ओरिजिनल कंटेंट किसका है, किसने चुराया है, कौन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है और कौन चुराया हुआ कंटेंट आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों वहां से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, आपको खुद ही पता है कि किसने मेरा कंटेंट चुराया है। दोस्तों यहां पे मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये रह जाती है कि अगर कोई मेरा कंटेंट चुराता है तो मैं यूट्यूब को कंप्लेन करूं और उसके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। तो दोस्तों मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी का चैनल नहीं बंद करना चाहता। तो पहले मैं प्रेम प्यार से कोशिश करता हूं कि मेरा कंटेंट वहां से हटा लिया जाए। अगर उसके बाद भी अगर नहीं हटाया जाता तो मेरे पास अगर कोई और चारा नहीं रहता तो फिर मेरे को YouTube में कंप्लेंट करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे एक जो 5वें नंबर की क्वेरी मुझसे पूछी जाती है कि भी आपका क्या स्वार्थ है इस चैनल को चलाने के पीछे। दोस्तों एक वीडियो के द्वारा मेरा क्या मकसद है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, पर वहाँ पे जो कुछ दर्शक हैं उन्होंने अपने सवाल को चेंज कर दिया और अब वो पूछ रहे हैं कि भी आपका क्या स्वार्थ है। तो दोस्तों वो दर्शक बिल्कुल सही है, मेरा खुद का एक पर्सनल स्वार्थ है इस चैनल को चलाने के पीछे। और वो स्वार्थ ये है दोस्तों कि पिछले 1 साल के अंदर आपकी दुआओं की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से मेरी जो इनकम है पर्सनल फ्रंट के ऊपर वो 10 गुना हो गई है। ये दोस्तों आप ही के आशीर्वाद से संभव है। जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपको इस चैनल की वजह से मुनाफा हुआ और आप उसके अंदर मुझे दुआ देते हैं, मेरे परिवार को दुआ देते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि आपका भला हो, भगवान आपको खुश रखे, तो दोस्तों ये सब दुआएँ जो हैं वो लगती हैं और आपकी जो दुआएँ या आशीर्वाद है वो मुझे हमेशा लगता है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल स्वार्थ है इस चैनल को चलाने के पीछे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और दुआएँ दें और आशीर्वाद दें इस चैनल की वजह से। अगर आपको मुनाफा होता है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, तो आप मुझे और दुआएं देंगे, आप मुझे और आशीर्वाद देंगे, उससे मैं जो है अपने पर्सनल फ्रंट के ऊपर और ज़्यादा तरक्की कर सकूंगा। दोस्तों मेरा बिल्कुल स्वार्थ है इस चैनल को चलाने के पीछे, मुझे आपका आशीर्वाद और मुझे आपकी दुआएँ चाहिए ताकि मैं पर्सनल फ्रंट के ऊपर और तरक्की कर सकूं। तो दोस्तों एक जो आखिरी क्वेरी मुझसे पूछी जाती है कि भी आपकी YouTube की इनकम कितनी है, आप ये चैनल सिर्फ YouTube की इनकम के लिए चला रहे हैं, इस तरह के काफ़ी
सवाल मुझसे पूछे जाते हैं तो उसका भी मैं आज आपको जवाब दे देता हूं। दोस्तों आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि YouTube पे मैं कितना कमा सकता हूं। दोस्तों YouTube की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरी इनकम कितनी है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी इनकम मुझे YouTube से होती है उसको मैं इसी चैनल के ऊपर दोबारा लगा देता हूँ। जैसे कि जब 1 लाख वाला मैंने वीडियो डाला था वहाँ पर काफ़ी दर्शकों ने मुझे बोला था कि भाई आप अपनी ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिए, आप अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिए। दोस्तों जो भी मुझे YouTube से इनकम हो रही थी उसकी सहायता से मैंने एक नया कैमरा खरीदा, एक नया माइक खरीदा और ये जो पूरा सेटअप है ये मैंने तैयार किया ताकि मैं ऑडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूं, वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूं। अब दोस्तों उसके बाद काफ़ी दर्शक मुझे बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है, तो दोस्तों मैं कुछ मीटअप प्लान करने की सोच रहा था कि मैं आपके शहर में आऊँ, आपसे मिलूँ, आपके साथ बैठ के बातें करूँ, पर दोस्तों उस सब में खर्चा लगता है। तो दोस्तों जो भी मेरी YouTube से इनकम होती है मैं उसको सेव कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ आने वाले समय में मीटअप कर सकूँ। जब मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा YouTube की इनकम से कि मैं आपके शहर में आऊँगा, आपके साथ मीटअप करूँगा, तो जिस तरीके से पेड प्रोग्राम्स होते हैं उसी तरीके से हम फ्री का प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर मैं जितने भी दर्शक हैं उस शहर के अंदर उन सबको एकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा ताकि हम सब मिल के बैठ के आपस में अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सकें, सीख सकें, जान सकें कि हम स्टॉक मार्केट में अपने मुनाफे को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं YouTube की इनकम का इस्तेमाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ मैं अपने चैनल के ऊपर ही करता हूँ, उसको मैं पर्सनल लेवल के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं करता। और जो भी मैं अभी सेव कर रहा हूँ पैसे, तो दोस्तों उससे मैं आने वाले समय में आपके शहर में एक मीटअप करने की कोशिश करूँगा। और आप ये मान के चलिए दोस्तों इसके अलावा भी और काफ़ी खर्चे होते हैं जिसके अंदर मुझे इस चैनल को मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो इनकम का इस्तेमाल मैं इसी चैनल के ऊपर यूज़ करता हूँ, उसको मैं पर्सनल लेवल पर नहीं करता। और आने वाले समय में हम ज़रूर मिलेंगे, आपके शहर में मिलेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं सामने बैठ के आपकी क्वेरीज़ का जवाब दूंगा। ये मेरी कोशिश है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे आपके ही शहर में। तो दोस्तों ये थी कुछ क्वेरीज जिनके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा बताइए कि हम इस चैनल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसके अंदर क्या और सुधार कर सकते हैं, और क्या क्या कमियाँ हैं इस चैनल में, किन किन विषयों के ऊपर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, और कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी क्वेरी है और किसी भी तरह के पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अब तक आपने मुझे जो भी फीडबैक दिया है दोस्तों मैंने उन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लिया है, और जो भी बातें आपने मुझे आज तक बताई हैं उन सब के ऊपर मैंने सुधार करने की कोशिश करी है। जो भी टॉपिक्स आप बताते हैं, जिन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, वो सब वीडियोस मैंने आपको इस चैनल के ऊपर शेयर करने की कोशिश किया है। फिर भी मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है, अगर ऐसी कोई गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा, उसको ज़रूर मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ आज के दिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करिए। जिन लोगों के पास साधन नहीं है स्टॉक मार्केट को सीखने के, आप इस चैनल को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी फ्री में स्टॉक मार्केट को सीख सकें। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने पसंद है। दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से आज हमारा जो ये परिवार है, ये जो हमारी फैमिली है, ये 2 लाख सदस्य क्रॉस कर गई है और हमने 1 करोड़ व्यूज क्रॉस कर लिया है। तो इसी तरीके से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस चैनल के ऊपर बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।